यूपी के बहराइच में हुई हिंसा में जान गंवाने वाले रामगोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी मौत का कारण साफ हो गया। रामगोपाल के शरीर में गोलियों के छर्रे के निशान हैं और पेट में चोट और आंख पर गंभीर चोट के निशान हैं। ये बातें बहराइच के चीफ मेडिकल ऑफिसर संजय कुमार ने मृतक रामगोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जानकारी देते हुए कही। उन्होंने रामगोपाल पर चाकू से हमले की बात को नकारा और कहा कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि रामगोपाल पर गोली और चाकू से हमला हुआ था। सीएमओ संजय कुमार ने बताया कि रामगोपाल को 25 से 30 छर्रे लगे थे जिसके कारण शरीर से काफी खून बह गया था। चाकू लगने की बात सामने नहीं आई है। आंख और दोनों पैर के अंगूठे में चोट के निशान हैं। ज्यादा खून निकलने के चलते रामगोपाल की मौत हुई है। मेरी जानकारी में जो तथ्य आए हैं उसके हिसाब से 25-30 के करीब छर्रे लगने के कारण अत्यधिक रक्तस्राव हुआ है और उस कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। बाईं आंख के ऊपर एक किसी कुंद चीज से लगने के कारण फटा हुआ चोट है और पैर के दोनों अंगूठों में चोट है। नाखून भी बताया जा रहा है, नाखून उखड़े हुए थे। नाखून का कुछ हिस्सा दोनों पैर का गायब है। इधर बहराइच के ग्रामीण एसपी पवित्र मोहन त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रामगोपाल की मृत्यु का कारण गोली लगना पाया गया है। धारदार हथियार से हमला और नाखून उखाड़ने जैसी बातों में सच्चाई नहीं है। इसके साथ ही बिजली के झटके दिए जाने की बात का भी पुलिस ने खंडन किया है। इस समय इलाके में शांति बनी हुई है और किसी तरह की कोई अप्रिय घटना की बातें सामने नहीं आई है। कस्बा महाराजगंज थाना हरदी जनपद बहराइच में घटित घटना में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या किए जाने के संबंध में सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचना जैसे कंट लगाना, तलवार से मारना, नाखून उखाड़ना आदि जैसी बातें फैलाई जा रही हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गोली लगने से पाया गया है। इस घटना में केवल एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, किसी अन्य व्यक्ति की इसमें मृत्यु नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है उसमें केवल गोली लगने से उसकी मृत्यु हुई है। उसमें छर्रे जो 12 बोर के जो छर्रे हैं वो चेहरे पर हैं और आर्म्स पर हैं और कान के उसके आईब्रो के आसपास है। अतः पूर्ण रूप से जो मृत्यु का कारण है वो गोली लगने से इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया है। और सभी से अपील है, अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए अफवाहें न फैलाएं, न ही भ्रामक सूचना फैलाएं। इधर बहराइच पुलिस की तरफ से इस घटना के बारे में एक पोस्ट जारी किया गया है जिसमें लिखा है कि दिनांक 13/10/2024 को कस्बा महाराजगंज थाना हरदी जनपद बहराइच में घटित घटना में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या के संबंध में सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से प्रमुख सूचना जैसे मृतक को करंट लगना, तलवार से मारना एवं नाखून उखाड़ना आदि बातें फैलाई जा रही है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण गोली लगने से होना पाया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी की मृत्यु नहीं हुई है। अतः सभी से अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए अफवाहों पर ध्यान ना दें व भ्रामक सूचनाओं को प्रसारित ना करें। सोशल मीडिया सेल जनपद बहराइच। बता दें कि घटना में लापरवाही बरतने के कारण महसी के क्षेत्राधिकारी रूपेंद्र गौड़ को हटाकर उनकी जगह रामपुर से आए रवि खोखर को महसी का सीओ बनाया गया है। इससे पहले हरदी थाना प्रभारी सूरज कुमार वर्मा और महसी पुलिस चौकी प्रभारी शिव कुमार सरोज को निलंबित किया गया था। घटना के बाद दर्ज 11 अलग अलग मामलों में अब तक 55 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने बुधवार को हत्या मामले में नामजद 6 आरोपियों में से एक दानिश उर्फ जहीर खान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार इस मामले में पहला मामला रविवार रात मृतक के परिवार की ओर से 6 नामजद और 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ हरदी थाना में दर्ज किया गया था। इसके अलावा एक अस्पताल में कथित तौर पर तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ भी कोतवाली नगर में मामला दर्ज किया गया है। दोनों समुदायों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ तोड़फोड़ और आगजनी के आरोप में 9 मामले दर्ज कराए गए हैं। कुल 11 मामलों में से 2-2 मामले 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर को दर्ज किए गए और 7 मामले 15 अक्टूबर को दर्ज किए गए। इनमें से 4 मामले पुलिस की तरफ से और 7 मामले जनता ने दर्ज कराए हैं। अशांत महाराजगंज में मोबाइल इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाएं लगातार तीसरे दिन भी निलंबित रही जिससे दैनिक जीवन और कारोबार प्रभावित हुआ। हालांकि पुलिस ने बताया कि दोनों गाँव में और उसके आसपास स्थिति सामान्य हो रही है और मंगलवार से किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है।